म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जैकी भगनानी की तैयारी। एक्टर प्रोड्यूसर के बाद अब म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करने की जैकी ने ठानी। बॉलीवुड में फिल्म यंगिस्तान से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने बीती शाम एक पार्टी होस्ट की। इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए बीटाउन स्टार्स ने भी शिरकत की। इस पार्टी में शरीक होने के लिए कृतिका कामरा, सोफी चौधरी, आयुष्मान खुराना, ताहिरा कश्यप, वरुण शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पहुंचे। दरअसल मौका था जैकी भगनानी के म्यूजिक लेबल जे जस्ट के लॉन्च इवेंट का। इस इवेंट को ग्रैंड लेवल पर मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। जैकी को सपोर्ट करने के लिए वहां सिंगर विशाल मिश्रा भी नजर आए। इस मौके पर जैकी ने बॉलीवुड रिपोर्टर से भी खास बातचीत की। जैकी ने इस लेबल को लॉन्च करने के पीछे का रीजन रिवील किया। एक्चुअली ये आइडिया लास्ट 3-4 साल से मेरे दिमाग में चल रहा है, बिकॉज़ आई लव म्यूजिक और मेरी सारी फिल्में जो मैंने करी हैं उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था कि म्यूज़िक में म्यूज़िक कंपोजर के साथ बैठना, सिंगर्स के साथ बैठना, म्यूज़िक पे काम करना। एंड आई जस्ट थॉट इट्स हाई टाइम वेयर एक म्यूज़िक लेबल खोला जाए जो आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचता है। एंड दैट्स वेयर दिस आइडिया केम। वेल, ये म्यूजिक लेबल काफ़ी कंपनी से कैसे अलग होगा और क्या कुछ खास होगा, ये यंगिस्तान एक्टर ने शेयर किया। ऑफकोर्स अलग इसलिए है बिकॉज हम नॉन फिल्म म्यूज़िक कर रहे हैं, और बिल्कुल अलग इसलिए नहीं है बिकॉज हम उतना ही बड़ा म्यूज़िक करेंगे जितना फिल्मों में आप देखते हैं। बस वो फिल्मों का पार्ट नहीं रहेगा, वो एक स्टैंड अलोन ऑडियो और वीडियो होगा। जैकी के इस लेबल के नाम में डबल जी है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था या फिर कोइंसिडेंस, इस बारे में भी जैकी ने बताया। नहीं, एक्चुअली मेरा नाम नहीं है, वो एक कोइंसिडेंस है। एक जे जस्टिस के लिए है और एक जे जस्ट म्यूजिक के लिए है। सो जस्ट म्यूजिक, जस्टिस फॉर म्यूजिक, जस्टिस फॉर आर्टिस्ट, जस्टिस फॉर म्यूजिशियंस, जस्टिस फॉर म्यूजिक लिसनर्स। वेल, जैकी बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर तो अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, अब देखना होगा जे जस्ट के ऑनर के तौर पर फैंस को कितना एंटरटेनमेंट दे पाते हैं।